अनेकों बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। थक हार कर मायूस होकर ये आमरण अनशन करने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मैं आज अमरण अनशन में बैठा हूँ। मैं जो है अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर कई बार प्रार्थना पत्र दी। मैंने अवगत कराया कि मेरी दुकान 34 नंबर मेरी है, मुझे मेरी दुकान वापस दी जाए। मेरी दुकान जबरदस्ती छीन के और निरस्त करा के और नाजिर के द्वारा तानाशाही करके मेरी दुकान दूसरे आदमी को उनकी अपनी चाहत जो उनकी खास आदमी है उनको अलाटमेंट किया जा रहा है। अलाटमेंट में धांधली हो रही है कि केवल दो फार्म दिए गए, मात्र किसी को फार्म नहीं दिए गए। उसमें इतनी कड़ी शर्तें रख दी गई कि जिसमें 1 लाख रुपए सिक्योरिटी बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए और उसमें ठेकेदारी का लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह से मतलब गरीब आदमी को दुकान नहीं मिल सकती, केवल बड़े आदमी के लिए हुई दुकान है। मेरी दुकान, मैं कमजोर आदमी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई रोजी रोटी के लिए कोई दूसरी दुकान है, ना कोई सर्विस है, ना कोई खेती है। और इसके बाद भी मुझे जो है दुकान नहीं दी जा रही है। मैंने कई बार निवेदन किया एडीएम से, डीएम से, नाजिर को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मेरी बात जरा भी नहीं सुनी गई। वो केवल प्रमोद गुप्ता और राजेश सजान की बात सुनी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू गुप्ता है।